कितनी अद्भुत और अनूठी रचना है। सचमुच देवर्षि, ऐसी अनोखी रचना तो हमने स्वर्ग में भी नहीं देखी। चमत्कार चमत्कार है, और ऐसे चमत्कार को कौन नमस्कार नहीं करेगा। चमत्कार है ये शिल्पी श्रेष्ठ माया सिंह, आपकी प्रतिभा का वर्णन करना संभव नहीं, आपकी योग्यता का कोई जोड़ नहीं, और आपकी शिल्पी ऊंचाई का कोई अंत नहीं। हे शिल्पी श्रेष्ठ, आपने देव शिल्पी विश्वकर्मा को इसी क्षेत्र में योजना से छोड़ दिया। देवर्षि, आप देवराज इंद्र और देवगण के साथ यहाँ आए, मेरी कला की प्रशंसा की, मुझे अच्छा लगा, मैं प्रसन्न हुआ, किंतु मैं आशंकित, भयभीत और आश्चर्यचकित हूँ। आप सभी को यहाँ देखकर, आपका यहाँ आने का उद्देश्य, आपका संबंध, वही तो शिल्पी श्रेष्ठ मायासुर, वही तो संबंध। देवों और दानवों के संबंध अकारण ही कटु हो गए हैं। इसके उपरांत भी रजतपुर, स्वर्णपुर और लोहपुर की अद्भुतता की चर्चा सुनकर उस त्रिपुर को देखने के लिए हम लालायित हो उठते हैं। हमारी लालसा कटुता को लांघकर हमें यहाँ तक ले आई शिल्पराज। केवल आपके शिल्प के आकर्षण से हमने सारे दुष्परिणामों को बिसरा दिया, तो क्या ऐसे में आपके सहयोग से हमें त्रिपुर को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा? आपका विचार मग्न होना हमारे लिए चिंता का कारण है शिल्पराज। एक उपाय है, हम आपकी कला का आनंद लेने आए हैं, अर्थात हमारे मन में सद्भावना है, दुर्भावना नहीं, इसलिए हम आपके अतिथि हुए। और यदि आप अपने अतिथि को त्रिपुर दिखाएंगे, इसमें तारक पुत्र को क्या आपत्ति हो सकती है, वो हमारे विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। हाँ, उचित कहा आपने, आप यहाँ शिल्प की वो श्रेष्ठता और अद्भुतता देखने आए हैं जिसकी रचना मैंने की है। मेरी रचना की प्रशंसा अर्थात मेरा सम्मान करने वाले मेरे अतिथियों से तारक पुत्रों का भला क्या विरोध हो सकता है। मैंने उनके लिए ऐसी अनूठी रचना करके उनके ऊपर एक महान उपकार किया है। मेरे इस उपकार के भार के नीचे रहकर मेरे अतिथियों के साथ अनुचित व्यवहार करा भी नहीं करेंगे। आपके सम्मान का उत्तर सम्मान से देने के लिए सर्वप्रथम मुझे भी आपके साथ उचित व्यवहार करना होगा। आप सब मेरे साथ हैं। राजा इंद्र और देवताओं का ऋषि नारद, अवश्य ही ये लोग यहां कोई भेद लेने के लिए आए हैं। चलो महाबली को सूचना देते हैं। आपने सत्य ही कहा था देवर्षि, स्वर्णपुर की तुलना में स्वर्ग की शोभा तो कुछ भी नहीं है। रजतपुर और लोहपुर इससे अधिक शोभापूर्ण है। हम शोभा ही तो देखने आए हैं यहाँ। मैं वहाँ ले जाकर अवश्य ही आपको इसकी भव्यता दिखाऊंगा। आइए, आप रजतपुर की शोभा देखिए। क्या समाचार लाए हो? महाबली, देवताओं का राजा इंद्र और देवताओं का ऋषि नारद मायासुर के साथ मिलकर हमारा त्रिपुर देख रहे हैं। इल्तार मायासुर के साथ देवता और त्रिपुर में हमें सूचित किए बिना ही, और वो सब रजतपुर की ओर गए हैं। महाबली, हो सकता है त्रिपुर का कोई भेद लेने आए हो। नहीं।
जयपुर तो स्वर्णपुर से भी अधिक भव्य है। शिल्प और कला का तो अनूठा योगदान है ये। स्वर्णपुर की प्रशंसा में सारे शब्द समाप्त हो गए, अब रजतपुर की प्रशंसा के लिए शब्द ही शेष नहीं रहे। आइए अब लोहपुर की ओर चलें। श्रेष्ठ है लोहपुर। मुझे तो तीनों ही पुर श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं देवर्षि। सत्य तो ये है कि ये निर्णय ही नहीं किया जा सकता कि कौन सा पुर सर्वश्रेष्ठ है। यही तो चमत्कार है शिल्पी श्रेष्ठ मायासुर की शिल्प कला का। हमने तीनों ही पुर देखे, बहुत आनंद आया, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। शिल्पी श्रेष्ठ मायासुर, हम आपकी सद्भावना के बहुत बहुत आभारी हैं। जो कष्ट और कृपा कर आपने हमें अपनी उत्कृष्ट कला के उत्कृष्ट दर्शन कराए, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आभारी तो मैं हूँ आपका कि आपने यहाँ आकर मेरा और मेरी कला का सम्मान किया। धन्य हो शिल्पी श्रेष्ठ मायासुर, धन्य हो। तुम तो देवताओं से सम्मान प्राप्त करके आभारी हो गए, पर हम भरे विश्वासघात के भार से भारी हो गए हैं। विश्वासघात? कैसा विश्वासघात महाबली? अरे इसका भी क्या कोई रंग रूप जाति व दिन होता है? अरे गोद में बैठकर आंखों में उंगली डालने को ही विश्वासघात कहते हैं। शत्रु को अपना भेद बताकर हमें विपता में डालते हुए हमें तनिक भी लाज नहीं आई मायासुर? अगर लाज होती तो आज ऐसा कार्य ही क्यों करते जिससे कि शत्रु प्रसन्न हो और मित्र अप्रसन्न? मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। देवराज और देवर्षि त्रिपुर की शोभा चर्चा सुनकर यहाँ इसे देखने के लिए आए हैं। बिना किसी राजनीति, कूटनीति, रणनीति अथवा शत्रुभाव की भावना के बिना केवल कला और शिल्प का ही। बस मायासुर बस, तुम्हारा भेद खुल चुका है, तुम शत्रुओं से मिल चुके हो। ये शत्रु नहीं है दैत्यराज, हमारे अतिथि हैं। हमारे साथ विश्वासघात करने वाले के अतिथि तो हमारे शत्रु ही हो गए, और हम दैत्य तो फिर अपने स्वार्थ और रक्षा के लिए अपने मित्र का भी वध कर डालते हैं, फिर अपने शत्रुओं को जीवित कैसे जोड़ेंगे? नहीं, नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, और अगर ऐसा होता है तो ये देवताओं के साथ विश्वासघात होगा। मैंने कुछ किया नहीं तो इस ओर से मुझ पर आरोप लगा है, और अब मैं कुछ नहीं करूंगा तो इस ओर से मुझ पर विश्वासघात का आरोप लगेगा जो सत्य होगा। नहीं दैत्यराज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे मन में आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं। भ्राता तारकाक्ष, शिल्पी मायासुर हमारे तीनों पुरों का निर्माता है, इसकी अतिथियों का वध करने से वो असंतुष्ट हो गया तो हमारे तीनों पुरों को ध्वस्त भी कर सकता है। नीति से कार्य करें। हम तुम्हारी बात मान लेते हैं शिल्पी मायासुर, कि तुमने हमारे प्रति विश्वासघात नहीं किया। अब तुम भी हमारी बात मान लो, हमारे ये शत्रु यदि यहां से लौट गए तो हमारा प्राण घात निश्चित है, अतः हम इनका वध नहीं करेंगे किंतु इन्हें बंदी बनाकर अवश्य रखेंगे। कारण? कारण यही कि यदि ये यहां से चले गए तो हमारे सारे भेद देवताओं को बतला देंगे, और वो सब मिलकर हम पर आक्रमण कर देंगे और हम सब नष्ट हो जाएंगे। तुम मैं ये वो ये भव्य त्रिपुर कुछ विशेष नहीं रहेगा। इसलिए सभी की रक्षा और हित में यह आवश्यक है कि इन सबको यहाँ बंदी बना के रखा जाए। इनके साथ साथ यहाँ का भेद भी यही बंद रहेगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे। आप मेरी विवशता समझें और मुझे क्षमा करें। यदि यह सत्य है कि आप भेद लेने आए हैं तो ना आप अतिथि और न मैं विश्वासघाती। ये सत्य नहीं है शिल्पराज, ये सत्य नहीं है। सैनिको बंदी बना लो इन तपती देवताओं को, काल कोठरी में डाल दो इन्हें। आज से इन सबका अंचल भी बंद, ले जाओ इन्हें।
होकर कहां जा रही हो? क्या बात है? व्याकुलता अकारण तो नहीं होती है परमपिता। बहुत समय से देवराज देवलोक में नहीं है, त्रिपुर देखने गए थे, आज तक लौटे नहीं। वहां क्या हुआ क्या नहीं कुछ भी ज्ञात नहीं है। कृपा कर ये बताएं परमपिता कि वे कहां हैं और किस स्थिति में है। स्थिति है परमपिता? दयनीय स्थिति है देवी। तो व्याकुलता के पश्चात अब चिंता का भी कारण है? हाँ, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। तुम्हारे पति देवराज इंद्र तथा मेरा मानस पुत्र नारद और देवगण सभी इस समय लोहपुर के कारावास में बंदी हैं। बंदी है? अब क्या होगा परमपिता? क्या उपाय है उनकी मुक्ति का? उपाय? उपाय भगवान शिव शंकर के अतिरिक्त और कौन कर सकता है? वे ही उद्धार करेंगे सब। तो फिर चलिए परमपिता, हम दोनों कैलाश चलते हैं। अद्भुत, ब्रह्मदेव और इंद्राणी अनेक बार कैलाश पर आए हैं। इंद्राणी सदा देवराज के साथ और ब्रह्मदेव सदा देवराज व देवगण के साथ ही आते रहे हैं। ये प्रथम अवसर है जब दोनों साथ साथ आए हैं। सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं देवेश्वर, नहीं, न कुशल है न मंगल है। मैं पति वियोग से और ब्रह्मदेव पुत्र वियोग से पीड़ित हैं। वियोग अर्थात अब आप दोनों योग चाहते हैं। स्वाभाविक है भोलेनाथ, उन दुष्ट असुरों ने नारद देवराज एवं देवगण सभी को लोहपुर के कारावास में बंदी बना रखा है। पर ब्रह्मदेव, उनको वहां लोहपुर जाने की क्या आवश्यकता आ पड़ी? क्यों गए थे वे वहां? उत्सुकतावश महादेवी, उत्सुकतावश। वे त्रिपुर की अद्भुत रचना की चर्चा सुनकर वहां की शोभा देखने चले गए थे। देव ऋषि नारद गए हैं तो केवल वहाँ की शोभा देखने नहीं गए होंगे, अवश्य अपनी लीला का प्रसार करने गए होंगे। लीला का प्रसार करना नारद के वश में नहीं है देवी, उसकी लीला भी भगवान भोलेनाथ की इच्छा एवं लीला का ही अंग है। देवाधिदेव कृपा कर देवर्षि नारद देवराज और देवगण को कारावास से मुक्त कराए। मुक्ति की युक्ति तो करनी ही होगी। मेरे वरदान के अनुसार अब आपके द्वारा उन तीनों असुरों के संहार का समय आ गया है भोले शंकर। धर्म भ्रष्ट उन तारक पुत्रों के संहार के लिए प्रस्थान करें। हाँ ब्रह्मदेव, योग वियोग और संयोग तीनों समानांतर चल रहे हैं। इनकी गति दशा और दिशा तीनों को तोड़ना आवश्यक है। आप शीघ्र अति शीघ्र सर्वदेवमय रथ की रचना की व्यवस्था करें। अवश्य शिवशंकर, अवश्य। मैं यथाशीघ्र विश्वकर्मा के पास पहुंचकर सर्वदेवमय रथ की व्यवस्था करता हूं। ना जाने किस परिस्थिति में होंगे देवराज। शची की आशंका सत्य सिद्ध हुई, हम शत्रु द्वारा बंदी बना लिए गए हैं। अब यदि भगवान शिव ने त्रिपुर को भस्म किया तो साथ हम सब भी भस्म हो जाएंगे। कुछ उपाय करें देवर्षि, कुछ उपाय करें। देवराज, अधीर होने से कष्ट का आकार और भार बढ़ जाता है।
तो घटता कैसे है देवर्षि? विश्वास और मानसिक संतुलन रखने से, भगवान भोलेनाथ पर श्रद्धा रखने से, यदि हम सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ को पुकारेंगे तो वे हमें अवश्य इस कष्ट से उबारेंगे। हाँ देवर्षि, मुझे भी यही लगता है कि यदि इस संकट के समय में हम त्रिपुंडधारी की शरण में जाएंगे तो वे अवश्य ही हमारी लाज रखेंगे।